नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, हम लोग माइग्रेन की बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि माइग्रेन में आप लोगों को कौन कौन से योगा करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माइग्रेन एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सरदर्द होने लगता है, और इतना भयंकर वाला सरदर्द होता है कि आप लोग जो हैं ये समझिए कि आप लोगों को इतना दर्द होता है कि आप लोग किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि वो दर्द कितना भारी होता है। इसके लिए आप लोग डिफरेंट प्रकार के पिल्स जो हैं वो इस्तेमाल में लेते हैं, क्योंकि ताकि वो नर्व जो हैं जिसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से दर्द हुआ है वो ठीक हो सके। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी इलाज है, दवाइयाँ मेडिकेशन जो है वो एक टेम्प्रेरी इलाज है। इसको तो आप लोग चलने ही दीजिए, जो आप लोगों की चल रही है, जो डॉक्टर की सलाह पर आप लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और या हम लोग कहें आप लोगों के पास ऐसी नॉइज़ है, या हम लोग कहें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इसके आते हैं, बहुत बार लाइट और नॉइज़ की वजह से ये सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा नज़र आने लगते हैं कि आप लोगों की जो रीढ़ है उसमें भी पेन होने लगता है इसकी वजह से, और सर दर्द इतना होने लगता है कि आप लोगों से सहन नहीं होता है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार रहते हैं कि वॉमिटिंग है, नौसिया है, पेन एग्रीवेशंस हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोगों को मतलब दवाइयाँ लेने के बाद में भी आप लोगों में जो पेन है वो बरकरार रहता है। तो कुछ योगासन हैं जिसे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहला योगासन है हस्तपदासना स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। हस्तपदासना का मतलब यही होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आप लोगों का डाउनवर्ड में आता है, जिसकी वजह से आप लोगों में ऑक्सीजन जो लेवल है वो ठीक बना रहता है। इससे आप लोगों का नर्व सिस्टम जो है वो अच्छा रहता है, उसमें ब्लड इंक्रीज जो है वो होता रहता है, और आप लोगों का जो दिमाग है वो शांत रहता है। दूसरा है सेतु बंधासना, ब्रिज पोज जिसको हम लोग बोलते हैं। ब्रिज पोज के करने से आप लोगों का जो दिमाग है वो शांत रहता है, काम द ब्रेन एंड रिड्यूस एंड एंजाइटी। इसमें आप लोगों की जो चिंताएं हैं वो आप लोग दूर कर सकते हैं ब्रिज पोज के अंदर। ब्रिज पोज के को करना आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें जस्ट आप लोग जो है अपनी गर्दन को नीचे की साइड में रखें, और बहुत बार तो लोग ग्लूट ब्रिज भी करते हैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए, क्योंकि ब्रिज पोज से आप लोगों का जो दिमाग है वो शांत रहता है। आप लोग रिलैक्सेशन मोड जो है आप लोग अपने शरीर को देते हैं, नर्व जो है वो क्योर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ब्रिज पोज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपने माइग्रेन पेन की समस्या को दूर करने के लिए, या हम लोग कहें उसको शांत करने के लिए। तो ब्रिज पोज का इस्तेमाल आप लोग अपने दिमाग को शांत करने के लिए और चिंताओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो हैं जस्ट आप लोगों को इसी पोजिशन के अंदर रहना होता है जो आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर आप लोगों के नर्व सिस्टम को मिलती रहेंगी, तो आप लोगों का जो शरीर है वो ठीक रहेगा। तो बहुत सारे प्राणायाम भी हैं जो मैं आगे आप लोगों को कवर करूंगा, ताकि आप लोगों के सरदर्द जैसी बीमारियां जो हैं वो नहीं हो। तो ऐसे आसन जो हैं, जो ब्रिज पोज जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे आसन बहुत बार आप लोगों को रिलैक्स महसूस करवाते हैं। और अगर आप लोगों का दिमाग शांत रहता है तो आप लोगों की बहुत सारे हार्मोनल जो चेंजेस आप लोगों की बॉडी में है वो भी ठीक रहने के ज़्यादा चांसेस जो है वो बन जाते हैं। तो ब्रिज पोज कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन और चिंताओं को दूर कीजिए, और कामनेस अपने माइंड के अंदर लाइए। तीसरा आसन जो है वो शिशु आसना है, यानी कि चाइल्ड पोज। बच्चा जब पोजीशन यही बनाता है कि आप अपने हाथों को सेम पोजीशन में आप लोग रख सकते हैं, जिससे आप लोगों का जो दिमाग है वो शांत रहता है बच्चे की तरह ही। सेम कंडीशन यही है आप लोगों के नर्व सिस्टम, और ज़्यादातर आप लोगों का जो दर्द आप लोगों को फील होता है वो आप लोगों को फील नहीं होगा। तो जो चाइल्ड पोज है एक्चुअल में वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप लोगों का जो नर्व सिस्टम है वो ठीक रह सके, वो दिमाग जो है वो शांत रह सके, और जो दर्द आप लोगों को हो रहा है माइग्रेन के अंदर वो नहीं हो सके। तो आप लोग चाइल्ड पोज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाइल्ड पोज इसीलिए बनाया जाता है ताकि दिमाग शांत रह सके। तो इसको करना भी आसान है। इसमें आप लोग वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, और जस्ट अपने हाथों को आगे की ओर फैलाते हुए गर्दन को नीचे की ओर करना है। इस कंडीशन में आप लोगों को अपना जो श्वास है, अपनी जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है वो एकदम शांत रखनी है, नॉर्मल रखनी है जैसे आप लोग लेते हैं। बस अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। इस कंडीशन के अंदर आप लोगों का जो शरीर है वो नॉर्मल पोजिशन में रहना चाहिए। मर्जिरासना, इसमें हम लोग बोलते हैं कैट स्ट्रेच। कैट स्ट्रेच यानी कि बिल्ली का पोज है आप लोगों का,
और इस पोजीशन में आप लोगों को रहना है, सांस अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आप लोगों को ले जाना है इस प्रकार। ये देखिए अंदर फेफड़ों में सांस भर रहा है, गर्दन जो है उसमें कंडीशन में नीचे रहेगी। इस कंडीशन से आप लोगों के माइग्रेन पर क्या असर जो है वो देखने को मिलता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक रहता है, आप लोगों का माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है। कैट स्ट्रेच आसन से यानी कि मर्जिरासना, इसमें आप लोगों के जो फेफड़ों की जो पोजीशन रहती है वो लचीली बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मर्जिरासना या हम लोग कैट पोज कहें, उसमें आप लोगों को अपने लंग्स के अंदर सांस भरकर जस्ट ऊपर की ओर जो है वो खींचना होता है, जैसे कि इस प्रकार। ये देखिए आप लोगों को नॉर्मल अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते हुए, कोहनियों को यानी कि घुटनों को अपनी ज़मीन पर रखते हुए सांस अंदर की ओर भरना है और अपना सर जो है वो नीचे की ओर ले जाना है, फिर आप लोगों को ऊपर की ओर लाना है। ये आसन जो है आप लोगों को क्या दे सकता है, आप लोगों के दिमाग को शांत कर सकता है, एंजाइटीज़ को दूर कर सकता है। जो आप लोगों के दिमाग में गलत विचार जो है या हम लोग कहें कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से नर्व सिस्टम जो है वो जल्दी जवाब दे देता है, उससे भी आप लोगों को आराम मिल सकता है। और ख़ासकर कामनेस अगर आप लोगों का माइंड होगा तो वो नर्व की देखभाल करता रहेगा, और नर्व की अगर आप लोगों को देखभाल रहेगी तो आप लोगों का सिस्टम जो है, पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो ठीक रहेगा, आप लोगों को माइग्रेन जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आसन की, जिसको हम लोग टू लेग्ड फॉरवर्ड बेंड बोलते हैं, पिश्चोत्तमोत्तान आसना। इस आसन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, टू फॉरवर्ड बेंड यानी कि दोनों पैर को आप लोगों को पकड़कर आप लोगों को नीचे की ओर झुकना होता है, और इसमें श्वास कंडीशन जो है आप लोगों को जब आप लोग ऊपर उठे तब आप लोगों को लेना होता है, और जब आप लोग नीचे झुकें तब आप लोगों को सांस छोड़ना होता है, और दोनों हाथों को पैर पकड़कर आप लोग नीचे की ओर झुक जाएं। और इस कंडीशन में आप लोग अपने शरीर को पूरा का पूरा ढीला छोड़ दें, अगर ढीला नहीं छोड़ा यानी कि लूज नहीं किया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी आसन को करते वक्त अपने शरीर का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नॉर्मल पोजीशन में हो, उसको कोई दर्द ना हो। अधोमुखासना यानी कि डाउन फॉरवर्ड फेसिंग डॉग पोज, इस पोज के अंदर आप लोगों को जस्ट डॉग पोज बनानी होती है, यानी कि वी शेप अपने शरीर को बनाना होता है। जब आप लोग वी शेप बना लेते हैं इस पोज को, इस अदरवाइज जो बाकी के अदर पोज हैं वो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अधोमुखासन यानी कि डॉग पोज, डाउन फॉरवर्ड डॉग पोज आप लोगों को करना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो ब्लड फ्लो है वो भी ठीक रहता है, और साथ ही आप लोगों का जो माइंड है वो भी कामनेस के अंदर रहता है। तो टू लेग फॉरवर्ड बैंड या जो कामनेस करता है अपने ब्रेन को, रिलीव करता है स्ट्रेस को, एक अच्छा योगासन है। उसी प्रकार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन को और ब्रेन को, और हेडेक यानी कि सरदर्द को भी दूर करने में बहुत अधिक मदद कर सकता है। इसके बाद में है पद्मासना यानी कि लोटस पोज। लोटस पोज सबसे ज़्यादा असरदार आप लोगों का साबित हो सकता है। इसमें आप लोग ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ये रिलैक्स करता है माइंड को और एलिवेट्स जो हेडेक होते हैं उनमें भी आप लोगों को रिलीज़ कर सकता है, हेडेक्स को रिलीज़ कर सकता है। तो शांत रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइग्रेन पेन के लिए। तो खासकर अगर आप लोग अपनी योगासन के थ्रू या हम लोग कहें विपश्यासना, विपाशना जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भगवान बुद्ध ने की थी, अगर आप लोग वैसी ही आसन जो है वो लोटस पोज के ज़रिए कर लेते हैं तो आप अपने दिमाग को बहुत जल्दी शांत कर सकते हैं, कामनेस अपने माइंड के अंदर लाएंगे तो ये बीमारी भी दूर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, लेकिन आप लोगों को अपने दिमाग को शांत करना होगा। सवासना यानी कि कॉर्पस पोज। कॉर्पस पोज में आप लोगों को क्या करना होता है, सीधे लेटना होता है और जो सांसों की गतिविधियां होती हैं उस पर आप लोगों को ध्यान रखते हुए नॉर्मल कंडीशन में आप लोगों को रखना है, कोई भी आप लोगों को खींचना नहीं है। इसमें आप लोगों को कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को हंसी नहीं आनी चाहिए, खासकर बात यही है। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर आप लोग बैठेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों का जो शरीर है वो बाहर की जो गतिविधियां हैं, बाहर की जो आवाज़ें हैं उसे सुनना ही बंद कर देता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर रहे हैं सवासना के ज़रिए। तो दोस्तों ये थे वीडियोज़, और मैं आप लोगों को यही चाहूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।